भाई ये है इस गाड़ी के अंदर भाई, बूट स्पेस मिलता है आपको और सीएनजी नहीं दिखाई दे रही आपको सीएनजी भाई, ये रहे सीएनजी के टैंक ये देखो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कटारिया। भाई सामने आप ये गाड़ी देख रहे हैं, ये है टाटा एल्ट्रॉस एक्सी वेरिएंट है, बेस मॉडल सीएनजी के अंदर। भाई अभी तक आपने ना यूट्यूब पे टॉप मॉडल के वेरिएंट्स की वीडियो देखी होगी, बट भाई आपका भाई सबसे पहले बेस वेरिएंट की जो है वीडियो लेके आया है। तो भाई इसी बात पे ना इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो भाई प्राइस से स्टार्ट करते हैं, इस गाड़ी के 7,55,000 रुपये की आपको जो एक्सशोरूम मिलती है, और बेस्ट प्राइस के लिए आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर सके डीलरशिप पर, आपको जो गाड़ी जल्दी भी डिलीवर हो जाएगी। श्रीवासु मेरठ में हूँ मैं अभी फिलहाल, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। तो भाई फ्रंट लुक इस गाड़ी का कुछ ये दिया गया है। सीएनजी पे भी आऊँगा क्योंकि भाई सीएनजी ना सबसे मेन है इस गाड़ी की। तो भाई सबसे पहले सीएनजी के ऊपर ये जो बात कर लेते हैं, बाकी तो फीचर्स मैं आपको दिखाई दूंगा। भाई सबसे पहले ये दिखा देता हूँ आपको, क्यों आपको वेट कराना। तो भाई ये है इस गाड़ी के अंदर, भाई बूट स्पेस मिलता है आपको और सीएनजी नहीं दिखाई दे रही आपको सीएनजी भाई, ये रहे सीएनजी के टैंक ये देखो। भाई ये कमाल ना सिर्फ टाटा ही कर सकती है। टाटा हमेशा ना यार सेगमेंट फर्स्ट चीज़ें लेके आती है, चाहे आप इनकी पुरानी गाड़ियाँ देखें चाहे आप इनकी नई गाड़ियाँ देखें, भाई सेगमेंट फर्स्ट चीज़ें लेके आई हैं। और ये सीएनजी का जो कमाल, जो मारुति भी नहीं कर पाई इतने सालों में, सीएनजी किंग कहा जाता है मारुति को तो, बट ये कमाल जो टाटा ने कर दिया। भाई बूट स्पेस भी आपको दे दिया और सीएनजी के सिलेंडर भी आपको दिए। भाई ट्विन सिलेंडर आते हैं जो कि 30-30 किलो के हैं, और कुछ ये रहने वाले, इसके ऊपर कवर दे रखा है आपको जो कि ये रहने वाला है, और बाकी आप यहाँ तो अच्छे खासे ना आप इसमें जो है दो अपने या तीन आराम से बैग रख सकते हैं, और 210 लीटर का आपको अप्रॉक्स बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो ये इसके पंचर किट भी मिलती है, और आप ये सोच रहे होंगे यार स्पेयर व्हील कहाँ गया इस गाड़ी के अंदर, टियागो की तरह तो नहीं कर दिया कि भाई गायब कर दिया। नहीं नहीं भाई, टाटा ने कितनी तगड़ी इंजीनियरिंग करी है इसके अंदर। भाई स्पेयर व्हील है इसके नीचे, जैसे आप एसयूवी में जो है करते थे ना, यहाँ से आपको जो है ये लगाना पड़ेगा और जो इसका स्पेयर व्हील नीचे आ जाएगा और ये उतर जाएगा। तो भाई ये मैंने आपको सीएनजी के बारे में अभी जो है थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, डिटेल में अभी जो है और बात करूँगा, तो थोड़ा सा आपको जो है पहले ये दिखाना था। तो भाई पहले जो है इस गाड़ी के फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है एक्सी वेरियंट में कुछ भी मतलब ऐसे कोई फीचर नहीं मिलते, आपको नॉर्मल मिलता है, बट कहीं ना कहीं जो है इसमें ग्लॉसी ब्लैक दे दिया जाता है, जिसकी वजह से ऑल ओवर जो लुक है ना गाड़ी की काफ़ी बढ़िया हो जाती है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, कोई आपको फॉग लैम्प्स कोई डीआरएस नहीं मिलते, बट आप एक्सेसरी के तौर पे कंपनी से लगवा सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है ये ग्रिल दी गई है जो कि अपना मैट ब्लैक के अंदर है, ग्लॉसी ब्लैक के अंदर आपको जो है फ्रंट ग्रिल दे रखी है जो कि काफ़ी बढ़िया, टाटा का लोगो, और जो है यहाँ पर क्रोम के अंदर ये ग्रिल दे रखी है जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ दी गई है। बाकी प्राइस मैंने आपको बताया 7,55,000 रुपये के आपको एक्सशोरूम पड़ती है, एक्सी वेरिएंट है ये। बाकी ऑटोमेटिक हेडल्स ऑटोमेटिक वाइपर्स इसके अंदर नहीं आते, यहाँ पर आपको व्हील कवर भी ऑफर नहीं करेंगे, जो कि थोड़ी सी गलत बात है। भाई टाटा आप इतनी चीज़ें दे रहे हो, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा पैसे ले लो, एटलीस्ट व्हील कवर और ब्रॉड टायर दे दो टॉप मॉडल की तरह, क्योंकि भाई इस गाड़ी का जो लुक है ना उसके हिसाब से भाई ये टायर अच्छे नहीं लगते हैं। 165/80 R14 का आपको मिलता है, तो भाई ये थोड़ा सा इसके अंदर मतलब इतना वो नहीं है। बाकी जो है इसका जो सस्पेंशन है ना वो भी ट्यून करा गया है, क्योंकि भाई ये देखो यहाँ पर ना ये चीज़ करी गई है, तो कहीं ना इसका जो सस्पेंशन है, ये जो शॉकर थे सीएनजी के हिसाब से जो ट्यून करे गए हैं। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस में आपको बताऊं तो वही 165 mm का जो है मिलने वाला है। इंडिकेटर आपको यहाँ मिलता है, कोई भी आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्ट और फोल्डेबल्स आपको जो है मिरर्स नहीं मिलने वाले, आपको जो ये हाथ से इस तरीके से बंद करने पड़ेंगे खोलने पड़ेंगे, और यहाँ आप जो है कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा ठीक। ए पिलर आपको जो है कोई भी ब्लैकआउट नहीं मिलता, सब जो आपको बॉडी कलर ही मिलने वाले सिवाय ये बी पिलर के अलावा, ये आपको ब्लैकआउट मिलता है। बाकी अब नई बैजिंग में यहाँ पर लिखे हुए आ रही है सेलिब्रेटिंग, भाई 25 साल और 50 लाख कार्ड्स इन्होंने बेच दिए 1998 to 2023। तो भाई ये जो है अब इसके अंदर ही आने लगा ठीक है। बाकी एक ख़ास बात और इस गाड़ी के अंदर जो कि ये है भाई 90° एंगल्स डोर, जितनी ये प्रैक्टिकल गाड़ी पहले थी ना, और टाटा ने अब सीएनजी डाल के और उसकी प्रैक्टिकलिटी बढ़ा दिया, क्योंकि भाई इस गाड़ी के अंदर आपको कंफर्ट मिलता है, राइडल हैंडलिंग काफ़ी अच्छी मिलती है, जिन लोगों की माइलेज की शिकायत थी ना वो भी दूर कर दी, और साथ के साथ उस चीज़ में ना आपको बूट स्पेस भी दे दिया। तो भाई ये चीज़ इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है, 90° एंगल्स डोर आपको जो है मिल जाती है ठीक है। बाकी रियर लुक की अगर मैं बात करूँ तो रियर लुक इस गाड़ी का
ये दिया गया है, काफ़ी अच्छा खासा रियर लुक मिलता है। पियानो ब्लैक की फिनिशिंग, यहाँ पर आपको जो हाई रूफ टॉप लाइट मिलता है। रियर डिफॉगर वाइपर आपको नहीं मिलता, सीएनजी की बैजिंग मिल जाती है यहाँ के साइड, जो कि काफ़ी बढ़िया आईसीएनजी यहाँ पर लिखा हुआ है। और दो पार्किंग सेंसर आपको मिलते हैं, चार नहीं मिलते। बाकी रिफ्लेक्टर आपको यहाँ मिल जाता है, बैक कैमरा आपको नहीं मिलता क्योंकि कोई भी मिरर सिस्टम का ऑप्शन नहीं है। बूट स्पेस आपको ये दिया गया है, ठीक है, आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिला 210 लीटर का, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, पर फिर भी आपको जो एक बार दिखा देता हूँ। कुछ ये अपना ये रहने वाला सीएनजी के सिलेंडर मिल जाते हैं। बाकी पंचर की डी आपको मिल जाती है, 60-40 का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। रियर सीट का ऊपर आपको ट्रिम दिया गया, जिसकी वजह से कोई भी पार्ट एक्सपोज नहीं है। बाकी आईसीएनजी मैंने आपको बता दिया सब कुछ, जो इसके अंदर ये मिल जाता है, ठीक है। भाई मैं इस गाड़ी के लिए ना बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि भाई देखो ये जो गाड़ी है ना, अगर मैं आपको बताऊँ, टाटा ने इस गाड़ी के अंदर प्रैक्टिकलिटी ना इतनी कर दी है कि भाई आपको अच्छा कम्फर्ट मिलता है इस गाड़ी के अंदर, रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छे, ड्राइविंग डायनेमिक्स अच्छे हैं। और जो एक सीएनजी वाला डर था ना कि भाई इस गाड़ी के ना सीएनजी आ जाएगी तो भाई बूट स्पेस ख़त्म हो जाएगा, तो हम लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जा सकते, क्योंकि भाई इस गाड़ी की ड्राइविंग डायनेमिक्स इतनी अच्छी है ना, अगर आप लॉन्ग ड्राइव करते हो ना तो आपको काफ़ी जो है बढ़िया एक्सपीरियंस देती है। खासकर मैं भी इसको एक मनाली की ट्रिप पर लेकर गया था, कोई भी थकावट नहीं थी इस गाड़ी के अंदर, बट कहीं ना ये डर था कि भाई जिस दिन इसके अंदर सीएनजी आ गए ना, उस दिन इसका बूट स्पेस ख़त्म हो जाएगा, तो भाई हम ट्रिप्स नहीं करने वाले। तो भाई ये डर भी ख़त्म हो गया, टाटा ने आपको भाई बूट स्पेस भी दे दिया और भाई सीएनजी भी दे दिया, जिसकी वजह से भाई अब इस गाड़ी का माइलेज प्लस आपकी जो है प्रैक्टिकलिटी काफ़ी बढ़ गई है। अब जो है इस गाड़ी की भाई अपना इसके बारे में बात कर लेते हैं, रियर सीट के बारे में। तो भाई अच्छा खासा आपको कम्फर्ट मिलता है, और मैं आपको बता रहा था ना कि भाई कितनी प्रैक्टिकल है गाड़ी, भाई हम आपको लो दिया गया है, तो तीन जने पीछे वाली सीट पर आराम से बैठ सकते हैं। 2501 mm का व्हील बेस मिलता है इसके अंदर, तो भाई बीच वाला पैसेंजर भी अगर बैठता है तो भाई कोई दिक्कत नहीं वाली। बाकी अपना जो है ये एडजस्टेबल नहीं मिलते आपको, ठीक है। बाकी ग्रैमेंट आपको तीनों साइड मिलते, ड्राइवर साइड आपको नहीं मिलता। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर ये डोर हैंडल्स मिलते हैं, और ये गलत करा यार, ये ना स्टैंडर्ड हो जानी चाहिए कि भाई और फोर पावर विंडोज़ आपको जो मिलेंगी, ये चीज़ स्टैंडर्ड हो जानी चाहिए, क्योंकि भाई ये प्रीमियम हैचबैक है। और इस गाड़ी के अंदर ना ये पीछे वाला ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। बाकी यार कंपनी ने जो भी दिया भाई सोच समझ के दिया होगा। बाकी अगर इसे खोलें तो भाई यहाँ आपको दो पावर विंडो कंट्रोल, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन रहने वाली है, 2 टेकल स्पेस में स्पीकर स्पेस है, 1 लीटर की बॉटल की स्पेस आपको मिल जाती है। पीछे वाली आपको रियर पे भी आपको 1 लीटर की बॉटल की स्पेस मिल जाती है यहाँ भी, ठीक है। बाकी आपको जो सीएनजी का स्विच यहाँ पे दे रखा है, आप जो है सीएनजी में और पेट्रोल के अंदर स्विच कर सकते हैं। और ख़ास बात बताऊँ क्या है कि भाई इस गाड़ी के अंदर ना आपको जो चीज़ मतलब मिलती है कि भाई अगर आप डायरेक्टली सीएनजी पे स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो वो भी इस गाड़ी के अंदर पॉसिबल दिया गया है। बाकी अपना जो है फ्यूल टैंक का आपको मैं दिखा देता हूँ भाई किस तरीके से रहने वाला है। ऑल दो वही रहने वाला है जैसे भाई इनकी टियागो टिगोर के अंदर था, वही टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है, बट ये चीज़ ना आपको ये मिलती है इसके अंदर। यहाँ पर आपको जो है ये सीएनजी नोजल मिलता है, ठीक, और यहाँ पर आपको पेट्रोल की ये मिलती है अपना, जो यहाँ से आप पेट्रोल डलवा सकते हैं। बाकी कैपेसिटी देखो आपको पता है E20 कंप्लाइंट है, तो यहाँ पर आप जो चिट भी आने लगी है। बाकी आपको अगर मैं दिखाऊँ तो भाई 30-30 किलो के आपको जो सीएनजी के सिलेंडर मिलते हैं इसके अंदर, जो कि वाटर कैपेसिटी रहती है। बाकी कहीं ना कहीं वही अपना जो है अगर ऑल ओवर 60 लीटर्स की अगर मैं बात करूँ तो 12 किलो का सिलेंडर ऑलमोस्ट आपको जो मिलता है, तो आप देख लीजिएगा भाई कितनी आती है। अब ये तो चलाने के बाद और रखने के बाद ही पता चलेगा। बाकी हाइड्रोजन सीट आपको नहीं मिलती है। और अगर मैं बात करूं यहाँ आपको जो स्टेयरिंग व्हील मिलता है, जो कि फ्लैट बॉटम रहने वाला है, और अभी ये उल्टा है, इसे जो अभी सीधा करते हैं, कि आपको ये मिलती है जिसमें कोई भी आपको सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती, ठीक है। इसे जो है करते हैं, इसे ऐसे करते हैं, और ये भी इसके अंदर नया आया, उसके बारे में अभी अब बात करें। फिलहाल जो स्टेयरिंग दिखा देता हूँ आपको, स्टेयरिंग आपको ये मिलता है, टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलता, ठीक है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं मिलते, ना ही ऑटोमेटिक वाइपर्स मिलते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं भाई, अब जो है ना इसका क्लस्टर चेंज कर दिया गया, आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। यही आपको जो टॉप वेरिएंट में मिलने वाला है सीएनजी के अंदर, पेट्रोल वेरिएंट के अंदर आपको दूसरा मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है अगर मैं आपको दिखाऊँ कि भाई ट्रिप ए ट्रिप बी डिस्टेंस टू एमटी आपको सीएनजी के अंदर नहीं दिखाएगा, वो आपको पेट्रोल के अंदर दिखाएगा। बाकी सीएनजी का गेज आपको यहाँ मिलता है, और अपना जो है ये पेट्रोल का गेज दे रखा है, ठीक है। बाकी स्पीडोमीटर आपको जो है डिजिटल फॉर्म में दे रखा है, जो कि ये रहने वाला है। बाकी यहाँ पर टाटा का लोगो, और यहाँ पर आपको जो है कोई भी सिस्टम ऑफर नहीं करेगा। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश, AC वेंट्स, यहाँ पर आपको जो है ये
एसी दे रखा है, बट ये मैनुअल के अंदर मिलता है आपको और इसकी यूनिट इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप इससे अपर वेरिएंट लेते हैं वहाँ पर ये यूनिट मैनुअल के अंदर चेंज हो जाती है, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है इसके अंदर। बाकी आपको एसी दे रखा है, बाकी यहाँ पर स्पेस, 5-in-1 गेयरबॉक्स, यहाँ पर आपको कोई भी लॉक का बटन मिलता है, यहाँ पर अपनी जो की रख सकते हैं टॉप मॉडल के अंदर जो कीलेस एंट्री आती है, 12-volt का आउटपुट यहाँ मिलता है आपको, यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर की स्पेस, यहाँ पर आपको जो हैंड ब्रेक दे रखा है। फ्रंट सीट की बात करूँ तो भाई उतनी ही कंफर्टेबल है जितनी आपको रियर सीट मिलती है, यहाँ आप देखेंगे ना अच्छा खासा आपको कंफर्ट मिलता है। यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स कूल नहीं मिलता, बट सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बड़ा ग्लव बॉक्स इस गाड़ी के अंदर मिलता है। कोर ड्राइवर साइड वेंटीमीटर की बात करें आपको जो है नहीं मिलता, यहाँ यार थोड़ी सी दिक्कत होगी, मतलब टाटा ने चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छी करी हैं बट कहीं ना कहीं यार ये कॉस्ट कटिंग करी, ये ना थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। बाकी आपको जो है IRM जो है डे नाइट नहीं मिलता है, बाकी ड्राइवर साइड आपको जो है टिकट होल्डर दिया गया है, कोई भी वेंटीमीटर ऑफर नहीं करा गया है। तो भाई ये बात रही ऑल ओवर इस गाड़ी के भाई इंटीरियर के बारे में, एक्सटीरियर के बारे में, और जो है कुछ बताने का है नहीं कि भाई इसके अंदर ये सिलेंडर आ गया, बूट स्पेस आ गया, यहाँ पे आपको CNG का स्विच मिलता है। अभी जो मैं इस गाड़ी को चला के भी दिखाऊंगा दूसरी वीडियो के अंदर, तो उसके लिए आप बने रहना। बाकी अगर मैं इस गाड़ी की वारंटी की बात करूँ तो यहाँ भी अब जो है चेंजेस हो गए, BS6 फेज 2 के अंदर ना अब इस गाड़ी की वारंटी भी जो है एक्सटेंड कर दी गई है, 3 साल 1 लाख किलोमीटर्स की आपको जो वारंटी भी मिल जाएगी। तो भाई आपको वारंटी भी है CNG गाड़ी के अंदर मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। हम बाहर से जो है इन गाड़ियों के अंदर भाई ये लगवाते हैं CNG, बट अब इस गाड़ी के अंदर भाई आपको वारंटी का भी कोई इशू नहीं आने वाला। जब बाहर से CNG लगवाते हैं तो भाई वारंटी जो हमारी वॉइड हो जाती है, बट इस गाड़ी के अंदर भाई वो चीज़ आपको कोई भी दिक्कत नहीं करने वाली। बाकी अगर हम इस गाड़ी के भाई के इंजन के बारे में बात करूँ, इंजन आपको जो ये मिलता है इस गाड़ी के अंदर आपको जो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि BS6 फेज 2 के अंदर रेडी है। और सबसे मेन बात, जब से गाड़ी BS6 फेज 2 के अंदर रेडी हुई है ना, इस गाड़ी का NVH लेवल काफ़ी डाउन हो गया, वाइब्रेशंस काफ़ी डाउन हो गए हैं और पिकअप काफ़ी अच्छा खासा कर दिया गया है। और जो अगर मैं CNG की पावर की बात करूं तो भाई 72 PS की ये पावर प्रोड्यूस करता है और 102 Nm का टॉर्क CNG के अंदर। पेट्रोल में वहीं आपका जो है 87 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा और 115 Nm का टॉर्क। तो भाई BS6 फेज 2 के अंदर ना ये पावर फिगर्स भी बढ़ गई हैं, जो कि भाई काफ़ी बढ़िया बात है। और सबसे मेन चीज़ ये आप जो ECU देख रहे हैं भाई, इस गाड़ी के अंदर ना सबसे बढ़िया चीज़ मिलती है CNG के अंदर, आपको सिंगल ECU मिलता है, जिसकी वजह से भाई कोई भी इसके अंदर लैग आपको महसूस नहीं होगा, वही आपको जो पेट्रोल वाला पिकअप CNG के अंदर महसूस होने वाला है। बाकी जो है भाई यहाँ पे आपको जो है ये CNG का ये सिस्टम दे रखा है, जो कि ये है बैटरी आपको यहाँ मिलती है, ABS यूनिट यहाँ मिल जाती है, बाकी ऑल ओवर कुछ इंजन ये है। तो भाई सिंगल ECU होने की वजह से ना आपको पिकअप काफ़ी बढ़िया मिलता है, ऐसा जो है टाटा क्लेम करती है। बाकी जो है अगर माइलेज की बात करूँ तो भाई माइलेज आपको जो है कहीं ना कहीं 24 से 25 आपको जो CNG के अंदर ये दे देगी, बाकी डिपेंड करता है कि आप जो गाड़ी किस तरीके से चलाते हैं। ऊपर आपको इंसुलेशन मिलती है जिसकी वजह से भाई कैबिन नॉइस आपको जो है काफ़ी कम हो जाती है। तो ये थी आपकी टाटा एल्टोस XE CNG वेरिएंट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगे, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।